नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की सरकार पूरी तरह विफल है, जहां युवा, विद्यार्थी, महिला, किसान और व्यापारी, इन सभी का सरकार से विश्वास उठ चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के संकल्प पत्र को भूल चुके हैं। 5 बार के बजट में केवल जनता को सरकार ने लूटा है। प्रदेश के नौजवान बेरोजगार हैं। कमर तोड़ महंगाई ने सबकी हालत पतली कर रखी है। नौजवान अब समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गुमराह किया है, बहुत गुमराह करने का काम किया। आज नौजवान जागरूक है। ये कैंप सोशल मीडिया का नहीं है, ये कैंप देश के हालात को लेकर के है। जो आज परिस्थितियाँ किसानों के सामने हैं, नौजवानों के सामने हैं, व्यापारियों के सामने हैं, आज हर वर्ग के लोग, खासकर हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो दुखी हैं इस सरकार से। कितना पूछोगे? ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास देखा है, समाजवादी पार्टी का विजन देखा है कि किस तरीके से एम्बुलेंस चलती हैं, किस तरीके से इलाज की सुविधाएं थी, किस तरीके से पुलिस के लिए 100 जो अब 112 है रिस्पांस सिस्टम दिया था। ये तमाम सुविधाएं जो गरीब जनता के लिए थी वो देखा है उन्होंने कि समाजवादी पार्टी की विजन क्या है। यही बनारस से लेकर के सोनभद्र 4 लेन सड़क कितने कम समय में बन के तैयार हो गई। यही सोनभद्र में सुपर क्रिटिकल प्लांट लगे बिजली के। यही जगह पर जहाँ नेताजी ने कभी कन्यादान बांटा, हम लैपटॉप बंटवाए हैं, आज भी लैपटॉप चल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? किसानों को दे दिया सम्मान राशि, लेकिन सब पैसा वापस ले लिया महंगाई से। डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी कर दी। आप बिजली का बिल कितना महंगा है? 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और बताइए बिजली कितनी महंगी हो गई। किसकी वजह से? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का क्या तर्क है, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है उसको गरीब की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसान की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रोजगार नौकरी का इंतजाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आखिरकार ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? जिनके पास विभाग है उनका ही कहना भी इसको कैसे लेते हैं? देखिए ये बहाना मैं याद कीजिए, जिस समय बजट की बात करनी थी तो मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं? लाल टोपी का रंग बता रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि 5 बजट में उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। आप सब जागरूक पत्रकार हैं, आप देखिए ना बजट में क्या है। जो पार्टी अपना संकल्प पत्र भूल जाए, जो पार्टी आय दोगुनी की बात करे किसानों की और ऐसे 3 कानून ले आए जिससे किसान बर्बाद हो जाए, पूरे देश का किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, 1 साल के लिए पीछे कर दिया, आप कहेंगे हम 3 साल के लिए पीछे कर देंगे, तो जो कानून आज गलत है वो 3 साल में कैसे ठीक हो जाएगा? चलिए धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।